मिर्जा तकवीम। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज के टाइम पे किसी भी आदमी के पास एक या दो अकाउंट तो होते ही होते हैं, चाहे उनके होम कंट्री में हो, चाहे वो जहाँ जॉब करते हैं वहां पे हो, कहीं ना कहीं दो से तीन अकाउंट तो हर किसी के पास आजकल मिलते ही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तीन ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिससे आपको ऑन करने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहली चीज, आपने अकाउंट ओपन किया है हमारी वीडियोस देख करके, आपने अपना अकाउंट रजिस्टर्ड किया है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली है हमारी वीडियो देखकर। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस अकाउंट से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हों, जो भी अच्छी चीजें हों, वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीन जो मैं सेटिंग्स बताने वाला हूँ, ये तीन सेटिंग में से एक सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके की सेटिंग है कि जब भी आप आपका अकाउंट का और पासवर्ड या कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, यहाँ से पैसे कोई कंट्रीज में भेजते हैं, अपने मोबाइल मतलब अपने अकाउंट में किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन करते हैं, जो ओटीपी आता है वन टाइम पासवर्ड, वो ओटीपी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सपोज दैट आप यहाँ पे दुबई में ना रह करके वैकेशन के लिए इंडिया गए हुए हो, सपोज दैट आप किसी अदर कंट्रीज में हो, सपोज दैट आप जहां पे हो वहां पे आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, तो इस बेस में आप क्या करेंगे? तो आपका यहां पे मैं आपको एक ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं जिसको ऑन करने के बाद आप कहीं पे भी रहे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो इस बेस में आपका ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे मंगा सकते हैं, और ईमेल आईडी आप सभी लोगों को पता है कि कहीं भी कोई भी कंट्री में कहीं भी रहें, ईमेल आईडी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन हो जाता है। तो इसी तरीके से इस बैंक से जुड़ी हुई इंटरनेट बैंकिंग की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, बस ये एक ओटीपी वाली सर्विस आप एक्टिवेट कर लीजिए आपके अकाउंट में, बस फिर क्या है, सारी चीजें स्मूथ और इजी हो जाएंगी। तो चलो आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आपको समझाते हैं कि वो तीन सेटिंग कौन सी है और ये तीन सेटिंग किस तरीके से ऑन करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए रजा टेक वेब को और सेलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन ताकि आप रहें हमेशा अपडेट और मोटिवेट। गाइज यहाँ पे देखिए CBD बैंक का ऐप हम ओपन कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको CBD बैंक ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली हमको करना है लॉगिन, हमने कर लिया है, देखो यहाँ पे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको मोर में जाना है, मोर पे जाने के बाद माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अपडेट्स के ऑप्शन में जाएंगे। अपडेट्स के ऑप्शन में जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहली चीज आपका ईमेल आईडी अपडेट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे करंट ईमेल आईडी अपडेट है, अगर कोई नई ईमेल आईडी अपडेट करना है तो मैं अपडेट कर सकता हूं, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी अपडेट कर रखी है। अगर आपने अभी तक ईमेल आईडी अपडेट नहीं की है तो आप प्लीज ईमेल आईडी पहले ऑप्शंस ईमेल आईडी अपडेट कर लीजिए। ईमेल आईडी अपडेट करने के बाद मोबाइल नंबर अपडेट कर लीजिए। अगर आपके अकाउंट में पहले से ही मोबाइल नंबर अपडेटेड है तो यहां पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने अपडेट कर रखा है। मैं यहां पे बैक में आ जाता हूं, आपको यहां पे बताता हूं, आपको जाना है सिक्योरिटी ऑप्शंस में। सिक्योरिटी ऑप्शन में जाने के बाद यहां पे लिख करके आ रहा है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पे देख करके लिख क्या देखिए लिख करके आ रहा है SMS, मतलब जितने भी वन टाइम पासवर्ड आएंगे आपके मोबाइल पे वो सब वो सिर्फ SMS में आएंगे, वो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो जैसा आप दुबई में हो तो दुबई में सेफ है कि SMS पे ही रख के रखो। अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं, दुबई से बाहर जाने वाले हैं, या तो आपको ऐसा लगता है कि अब हमारा सिम कार्ड कुछ दिन के लिए, दो चार दिन के लिए ऑफ होने वाला है, या तो हमारा मोबाइल ऑफ होने वाला है, या तो हम कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां पे हमें नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो उस बेस में आप जो है अपना ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर लीजिए। ईमेल आईडी पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन आएगा। वेरिफिकेशन को यहाँ से जो है नेक्स्ट कर लीजिए। वेरिफिकेशन को डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सारी चीज़ें जितने भी OTP आएंगे वो आपके ईमेल आईडी पे आएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ईमेल आईडी आप हमेशा के लिए रख करके मत छोड़िए, क्योंकि ईमेल आईडी जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर और सेफ नहीं है। जब आप ट्रेवल कर रहे हो तभी ये ऑप्शंस का लाभ लीजिए। दूसरे ऑप्शंस में है एमरेस आईडी अपडेट। तो एमरेस आईडी अपडेट के लिए आपको क्या काम करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लीजिए।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए विंडो आ गया है आपका एमरेट्स आईडी, यहाँ से फोटो खींच करके सीधा अपडेट कर सकते हैं। तो मेरी एमरेट्स आईडी अपडेटेड है तो मैं यहाँ बैक पे आ जाता हूँ। आपको बताता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपनीज चेंज कर देते हैं, उस बेस में आपको एमरेट्स आईडी अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। या तो आपका एमरेट्स आईडी एक्सपायर होने वाला है या तो आपका एमरेट्स आईडी एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर होने के बाद आपको नया एमरेट्स आईडी इशू हो गया है, तो उस एमरेट्स आईडी को यहां पे आप कर आ करके अपडेट करना पड़ सकता है आपको। तो आप इस बेस में आपका एमरेट्स आईडी अपडेट कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने वाला हूं, वो है आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन। स्मार्ट नोटिफिकेशन में आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है स्मार्ट नोटिफिकेशन यहां पे जैसे ही मैं इसको ऑन कर देता हूं, ऑन करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं इस थर्ड ऑप्शन से आप जो है कैरिड वैल्यू, आपके अकाउंट में कितने पैसे रखना चाहिए, कितने ट्रांजेक्शन करना चाहिए, कितने ट्रांजेक्शन आप सपोज दैट आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप मंथ में कितने ट्रांजेक्शन, तो ऐसी ऐसी सारी चीज़ें जो बिजनेस लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं जिसमें से वो सारी चीज़ें पढ़ करके आसानी से कर सकते हैं। तो ये रही आज की तीन सबसे अच्छी सेटिंग्स जिसके बारे में आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों सेटिंग आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछना, जो भी आप पूछना चाहते हो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।